नमस्कार बच्चों, आज मैं क्लास 10th का गणित का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आया हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना था उसको मैंने आपको सिखा दिया है, उसका वीडियो आप देखिएगा, अच्छी तरह से मैंने समझाया है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आया हूँ। उसमें कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, कहते इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ बना एलसीएम है। इसमें तीन क्वेश्चन है, 2691, 510 और 92, 336 और 54। एक क्वेश्चन इसमें का मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी दो क्वेश्चन आप लोग घर पे सॉल्व कीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, 2691 का हम लोग जैसे आपको एचसीएफ और एलसीएम याद करना है 2691। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 के अच्छे से कटेगा, सबसे पहले हम बताए थे उस दिन कि छोटी अभाज्य संख्या से इसको काटेंगे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से देखेंगे कटेगा कि नहीं कटेगा। इसकी इकाई स्थान पर 6 है, यानी 2 से कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 3 6, 13। 13 ये अभाज्य संख्या है, बस यहीं पर स्टॉप कर लेंगे। उसके बाद हम लोग 91 को देखेंगे, 91 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 9 1 10, 3 का पहाड़ा में 10 नहीं आएगा तो 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा क्योंकि इसकी इकाई स्थान पर 0 या 5 नहीं है। तो 5 से जब नहीं कटेगा तो 7 से देखेंगे, 7 से क्या करेंगे, भाग करके देखेंगे, तो ये 7 से कट जाएगा। 7 से देखिए, 7 एकम 7, 2 21, 7 3 21, 13 मरतबा कट गया, 13 7 91 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे, जैसे 26 यहाँ लिख दिए, 26 बराबर हो जाएगा 2 गुना 13, और 91 का लिखेंगे हम लोग 7 गुना 13। तो हम एचसीएफ निकालेंगे 26, 91 का, जो दोनों में जो कॉमन है, जो जो संख्याएं कॉमन होगी वही हमारा एचसीएफ होगा। तो कॉमन इसमें केवल एक ही संख्या है 13, तो 13 निकल गया, ये हमारा एक आंसर हो गया, एचसीएफ निकल गया। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 26 और 91 का निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन है उसको निकाल देंगे, जैसे 13 है तो इसको हम पहले निकाल देंगे, उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख देंगे, जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। जैसे 2 कॉमन नहीं है तो 2 को भी लिख देंगे, 7 भी बच रहा है 7 को भी लिख देंगे, और इसको हम लोग गुना कर लेंगे, 13 गुना 26, 26 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 26 7 6 42, के 2 हासिल 4 14 182 हो जाएगा, यह आपका एलसीएम हो गया। अब जाँच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम, जाँच करना है। तो हमारे पास दो संख्याएं क्या है, 26 और 91 है, यानी इसको जांच करना है कि 26 और 91 का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। अगर ये जांच सही होता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम सही है। तो चलिए मैं इसको जांच कर रहा हूँ, देखिए मैं इसको जांच कर रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो जांच करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या वाला क्या है, 26 गुना 91 है, 26 और 91 है संख्या है। अब इसे गुणा कर लीजिए, करके दिखा देते हैं, 1 6 6, 1 2 9, 6 54 4 5, 9 2 5 5 23, 6 6 3 2, 23 66 जो है इसका गुणनफल हो गया। अब लिखेंगे हम लोग एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ मेरा अभी आया था कितना आया है, 13 आया था, और एलसीएम आया था हम लोग का 182, इसको गुना करेंगे तो 13 गुना 26 के 6 हासिल 2, 13 8 104 2 106 6 हासिल 10, 13 13 10 23। देखिए दोनों बराबर आ गया, तो इसलिए लिख देंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यह आपका वेरीफाइड हो गया, सत्यापित हो गया, यह आपका आंसर आ गया। इस तरह इसमें का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ, अगले दिन मैं आपको इस पर दो संख्या गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम पर एक सूत्र बताऊंगा, साथ ही साथ दो से अधिक संख्याओं का मैं
दो सभी संख्याओं के ऐसे प्रदर्शन निकालने की विधि भी बताऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।